और अब एक ऐसी खबर जो देश के हर इंसान का खून खौला देगी। देश के सबसे आधुनिक और हाईटेक शहरों में एक बैंगलोर से एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। न्यू ईयर पार्टी में भीड़ में लड़कियों से छेड़छाड़ का मुद्दा थमा भी नहीं था कि ये वीडियो जो आप इस वक्त देख रहे हैं इसने हलचल मचा दी। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा पर यह वीडियो अपने आप में सवाल खड़ा करता है। बेंगलुरु के कामनहल्ली इलाके में रात करीब 2 बजे एक लड़की ऑटो से उतरकर अपने घर जा रही थी, लेकिन अचानक लड़की के पीछे से 2 बाइक सवार आते हैं। बाइक सवारों ने अकेली लड़की को देखकर बाइक को रोका और घुमाकर वापस उसके पास पहुंचे और फिर उस लड़की का रास्ता रोक लिया, उसे जबरन गले लगाने की कोशिश की और उसके साथ बदसलूकी की। लड़की चीखने लगी, विरोध किया तो उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ये वीडियो तमाचा है उस शहर पर जहां हजारों लाखों कामकाजी महिलाएं अपने पैर पर खड़े होकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन जरा सोचिए, देर रात लौटने वाली महिलाओं के लिए जब बैंगलोर जैसा शहर भी सुरक्षित नहीं तो फिर बाकी हिस्सों के बारे में क्या कहा जा सकता है। और ये लगातार इन 4 दिनों में ऐसी दूसरी घटना सामने आई है। इससे पहले नए साल के मौके पर पार्टी के दौरान बीच सड़क पुलिस की मौजूदगी में लड़की के साथ बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई थी जो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। और उसके बाद अब ये घटना सामने आई है जहां पर देर रात घर लौटते वक्त एक महिला के साथ ये बदसलूकी हुई। किसी तरह का डर इन बाइक सवारों के मन में दिखाई नहीं दिया जो उन्होंने इस तरह की हरकत की। लेकिन अब सवाल यह कि कितनी जल्द ये पकड़ में आते हैं, क्योंकि पुलिस ने इनकी तफ्तीश इस फुटेज के आधार पर शुरू कर दी है।